हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, न्यू टिप्स न्यू है के साथ आ गई हूँ। फ्रेंड्स, रोज की तरह आज का किचन टिप्स बहुत ही यूजफुल होने वाला है, साथ ही साथ समय और पैसे की भी बचत होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। पहला है, इस तरीके से हमें लेना है अल्मोनियम पेपर, घर पे होता ही है, हमें ले लेना है और छोटे छोटे टुकड़े इसमें कट लगा देना है और इसको जो है हमें छोटे छोटे बॉल्स बना लेना है। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फ्रेंड्स, बस आपको लेना है इस तरीके से एक कैरी बैग लेना है, वाइट ही लेना है, ठीक है। उसके बाद इसमें आप पानी डाल दें, एक गिलास आधा पानी डाल दें। फ्रेंड्स, उसके बाद आप जो बॉल्स बनाए ना उसको डाल दें उसमें, और जहाँ पे विंडो है आपके किचन या फिर हॉल में तो आप इस तरीके से ना बांध दें उसमें। इससे क्या होगा, सनलाइट जो पड़ेगा ना इस पे, उससे लाइट आएगा अंदर, और आपके किचन में बांध रहे ना तो मक्खी का दिन बहुत ही है। ये सनलाइट पड़ेगा ना, इससे आपके घर में मक्खी मक्खर कुछ भी नहीं आएगा। फ्रेंड्स, आप इसे एक बार ट्राई कर देखें। अगला है, इस तरीके से हम ले लिए हैं, यहाँ पे सिक्का लिए हैं, जैसे कि 1 रुपया या फिर 2 रुपया जो होता है ना उसे ले लेना है। और ये धागा देख रहे हैं फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है ना, जब भी हम इस तरीके से सुई में धागा करते हैं तो जल्दी नहीं होता है। आजकल बड़े बुजुर्ग के तो आँख की प्रॉब्लम होता ही होता है, साथ ही साथ अभी को किसी जैसे बड़े हैं और उस सुई में धागा करते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है और हमें दूसरे का हेल्प भी लेना पड़ता है। फ्रेंड्स, आज जो हम कुछ टिप्स लेकर आए हूँ फ्रेंड्स, आपको कोई खर्चा भी नहीं होगा और ये काम आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। तो वो कैसे फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे लेना है एक ब्रश, जिससे कि घर पोताई होता है ना, बस उसका एक बाल लेना है, एक ही लेना है। अब उसे हम कट कर लिए हैं और 2 सिक्के का जरूरत ही पड़ेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इस जो है मार्केट में भी बहुत सारा मिलता है तो हमें वहाँ पे पैसा खर्च करना पड़ता है तभी ये मिलता है, बहुत ही महंगे मिलता है। और सुई में धागा करने के लिए अक्सर आप देखे होंगे मार्केट में मिलता ही है, तो कितने लोग उसे भी ले आते हैं, तो जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि सबके घर में वो होता ही है। तो आपको बस लेना है 2 सिक्का, और आपके पास डबल टेप है तो इसे क्या करें, जो बाल हम लिए थे ना उसे अच्छे से फोल्ड कर दिए हैं और इसमें चिपका दिए हैं, तो आप यहाँ पे सेलो टेप की भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। और एक बार ये बना लेंगे ना तो फिर आपको जो है बार बार बनाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा और किसी को आपको हेल्प भी लेना नहीं पड़ेगा। ये बहुत ही यूजफुल टिप्स है फ्रेंड्स। जो बड़े बुजुर्ग हैं, अकेले घर में रहते हैं तो हल्के फल्के सिलाई का काम तो करना ही पड़ता है ना, अब बार बार तो मशीन का यूज नहीं करेंगे ना छोटे मोटे चीज को सीने में, तो फ्रेंड्स बस आपको ये करना क्या है। और ये एक बार आप बना लेते हैं ना फ्रेंड्स तो आपको सुई में तो धागा कर ही लेंगे, देखिए कितना आराम से सुई में धागा हो जाएगा। जैसे कि जो हम बाल को फोल्ड कर कर हम सिक्के के अंदर दाबे हैं ना, बस उसको हम सुई में डालेंगे, वो बहुत ही आराम से अंदर चला जाता है। तो छोटी से छोटी सुई में भी आप इस तरीके से धागा डाल सकते हैं। अब उसी में हमें धागा डालकर खींच लेना है ना, कमाल का टिप्स फ्रेंड्स, देखिए कितना आसान से सुई में धागा हो गया है। तो बड़े बुजुर्ग भी है तो एक बार इस तरीके से बना लेंगे तो आराम से आप जो है सुई में धागा कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे हम बना कर रख लिए, मशीन में भी काम लगेगा तो हम इसके द्वारा अच्छे से डाल देंगे मशीन में सुई में धागा और निकाल लेंगे, नहीं तो फिर बहुत समय लग जाता है डालने में। और यहाँ छकना से लेकर है फ्रेंड्स, अक्सर इस तरीके से छकना सभी लोग यूज करते ही हैं, सभी के घर में इस तरीके से छकना यूज होता है। धीरे धीरे क्या होता है ना कि ये छकना में चाय का कण जो है बैठ जाता है और इसे हमें साफ करने में बहुत ही टाइम लगता है। अब इसे हम अब स्टील का रहता है तो उसे तो हम बहुत अच्छे से साफ कर लेते हैं गैस चूल्हे पे चढ़ाकर, और फिर ये जो है प्लास्टिक का जो होता है ना वो कितनों भी आप साफ करते हैं साबुन से सही से नहीं होता है। तो फ्रेंड्स बहुत ही यूजफुल टिप्स है ये, देखिए करना क्या है, आपको लेना है गुनगुना पानी लेना है, बस गुनगुना पानी ले लेना है और इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच के लगभग आप मीठा सोडा डाल दें, तो फ्रेंड्स इतना पानी लें कि आपका छकना अंदर तक चला जाए। तो
तो बस छकना इसमें डालकर आप छोड़ दें, थोड़ा सा विनेगर इसमें डाल दें और इसे डालकर 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ना फ्रेंड्स। देखिएगा इतना अच्छा से ये क्लीन हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से ये क्लीन हो जाता है फ्रेंड्स। आपको प्रूफ भी दिखाएंगे फ्रेंड्स, देखिए इसे निकाले हैं तो ये तो खुद थोड़ा सा साफ ही था और जो गंदा था वो भी देखिए कितना अच्छे से क्लीन हो गया है। घर पे आप इस तरीके से छकने को साफ कर सकते हैं। प्रूफ भी दिखाएंगे फ्रेंड्स, देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गया है, गंदे वाले भी साफ हो गया है। तो आई होप आज का टिप्स एंड हैक्स आप लोग को पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलती हूँ कल का वीडियो में, तब तक।